नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, काल राउरकेला सिटी का जो फेमस प्लेस था, जैसे कि हमने पहले वेदव्यास गए थे, उसके बाद हनुमान वाटिका, उसके बाद हमने आइजपर गए और लास्ट में हमने वैष्णव देवी जो पूरा पहाड़ों के टॉप में था वहां पे गए थे। फिर बाद में हमारा जैसे कि खंडाधार प्लानिंग था, वहां पे तो जाना तय था, तो वहां पे जैसे कि शाम हो गया हम नहीं जा पाए, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक हरियाणा भवन करके एक धर्मशाला है, काफ़ी अच्छा है और सस्ता भी है, बहुत ही सस्ता है। एक अगर आते हो आपको एक बंदा एक आदमी का 180 रुपया है और दो लोगों के लिए 200 रुपया देना पड़ेगा। सुबह सुबह निकल रहे हमारा फ्रेश फ्रेश होके निकलने वाले थे खंडाधार के लिए। बारिश इतना जोर हो रहा है, हम बाइक से बाइक लेके आए हैं, कल तो दिन भर कुछ नहीं हुआ, आज सुबह सुबह बारिश हो रहा है। ये भगवान क्या जुलूम है। बहुत देर के बाद, कम से कम 2-3 घंटा लगातार बारिश होने के बाद अभी थोड़ा कम हुआ है और इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी गिर रहा है। हम रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए दो दो रेनिकूट भी हमको खरीदना पड़ा। वहाँ पे 300-300 का 600 रुपया ले लिया हमारा रेनिकूट, वो एक्स्ट्रा हमको पड़ गया। अभी निकल रहे हैं राउरकेला से और यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है और इस यहाँ पे तो बारिश अभी रुका है, वहाँ पर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि न्यूज में ब्रॉडकास्ट किया था कि खंडाधार वाटरफॉल जाऊंगा, न्यूज में दिया था कि सुंदर कोई नहीं रोक पाएगा, हम जाएंगे खंडाधार वाटरफॉल। पहले में भी बोला था कि सुंदरगढ़ और संबलपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट को 2 दिन के लिए लगातार बारिश होने वाला है। नहीं, मैं जो आया था, मैं बालेश्वर से आया हूँ, बोला था मैं यहाँ से बारिश को रोक के जाऊंगा, तो कल आया पूरा बारिश को रोक दिया। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। सुंदरगढ़ का ये जो काफी खूबसूरत वाटरफॉल है हमारा, जो खंडाधार वाटरफॉल, हम जाएंगे, मजा लेंगे, आपको मजा दिखाएंगे। चलो, बस बारिश ना होए, कि मौसम अच्छा है, बेस्ट मौसम है, बस बारिश ना होए। खंडाधार जाने के लिए हमको यहाँ पर हनुमान वाटिका से लेफ्ट मुड़ना पड़ा। भैया जी इधर कामल को लेके चल रहे हैं, अभी 143 में हम चल रहे हैं। सवेरे सवेरे ये जो मौसम का बारिश हो गया था ना सुबह सुबह, आज मौसम ऐसे ही रहेगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। देखिए नदी का जो पानी आ रहा है उधर, LIC 143 में अभी काम जोरों शोरों से चल रहा है। ये देखिए पहाड़ों के बीच में से रास्ता क्या है और कैसे पहाड़ को काट के ये रास्ता बनाई गई है। करीब 40 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ पर एक पेट्रोल पंप दिखा, रास्ते में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है और यहाँ में हमने 200 का पेट्रोल डलवाया है और पल्सर बाइक है तो 40-45 उसका माइलेज है, फोन पे का व्यवस्था है तो यहीं पर पे करें। NH से हम राजा मुंडा से इधर लेफ्ट साइड में अभी घुसे, ये वाला NH 520 है और NH 520 से राजा मुंडा से हम लेफ्ट मुड़ रहे हैं और यहाँ से रोहिणी पड़ा 15 किलोमीटर। दोस्तों अभी 13 किलोमीटर बचा है, वहाँ पर बोर्ड में लिखा गया था उधर लेफ्ट टर्न नहीं, वहाँ पर 15 किलोमीटर था और वहाँ पर एक देखिए खूबसूरत सुनहरा कलर का एक घोड़ा है। घोड़े को लेके जाना अभी, दिख रहा है वो वाटरफॉल, मतलब पूरा पहाड़ों के टॉप से यहाँ पे कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर पर है हम और पहाड़ों के टॉप से पूरा गिर रहा है, इसका ये स्पेशलिटी है। दोस्तों फाइनली मैं आके पहुँच चुका हूँ खंडाधार वाटरफॉल यहाँ पर एंट्री में और यहाँ पर हमको 80 रुपीज़ देना पड़ेगा बाइक का और हमारा एंट्री फीस। और यहाँ पर ना ATM अवेलेबल है, ना कुछ भी फोन पे ना चल रहा है, ना गूगल पे चल रहा है, मतलब टावर जीरो है पूरा और इतना दिक्कत हो रहा है ना। हमारे पास कैश ज़्यादा नहीं था, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा नीचे जाके अगर
हो पैसा अगर फोन पे हो पाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर उनको मदद मांगना पड़ेगा कि कुछ पैसा दीजिए, हम बाद में आपको लौटा देंगे, कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। दोस्तों मेन गेट से हम अभी एंट्री कर चुके हैं, हम दोनों एंट्री गेट से 1 किलोमीटर दूर है खंडाधर वाटरफॉल, और यहाँ से दिख रहे हो कितना जोर से पानी चल रहा है, मतलब उसका जो पानी आ रहा है ना, अभी बारिश का मौसम है इसलिए उसका लेवल बढ़ गया है, इसलिए बहुत जोर से आ रहा है, यहाँ से क्रॉस करके जा रहा है पानी। तो चलिए चलिए दोस्तों। ये लकड़ी का तरह देख रहा है, ये इसको बनाया गया है, और यह देखिए स्टेप बाई स्टेप स्टेप बाई स्टेप चारों तरफ में है, यहाँ पर है इसको, जैसे कि मिट्टी पानी की वजह से सॉइल एरोजन हो जाता है इसलिए पत्थर दिया गया है, पत्थर देके उसको बनाया गया है। अरे वाह, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर आते हैं, जैसे कि ये पूरा पहाड़ में है इसलिए टावर नहीं है, यहाँ पर आएंगे तो किसी का कॉल भी नहीं लगेगा। देखिए वहाँ पर से पानी गिर रहा है और वो पानी यहाँ से आकर चले जा रहा है। पैदल में चलने पड़ेगा, हाँ पैदल में चलने पड़ेगा, जैसे कि इसके यहाँ पर अंदर में व्हीकल कहाँ आएगा, और ये रास्ता पूरा पक्का रास्ता है, ऐसे जाने की कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जैसे कि पहाड़ एरिया में ना किसी एरिया में नॉर्मल में मिट्टी भी रहता है, लेकिन यहाँ एरिया में ना वो सब मिट्टी रेड कलर का है। भरा है सीढ़ी पणई, इस जगह का नाम है पणई, देख सकते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, काफी सुनसान जगह है, कोई भी नहीं दिख रहा है, मतलब किसी का कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ना फोन लगेगा, ना आप किसी को बुला पाओगे, मतलब इसलिए साथ में कोई बंदा रहना चाहिए, कम से कम दो लोग आना चाहिए, किसी का एक का प्रॉब्लम होगा तो दूसरा आके उसको हेल्प करेगा। देखिए पूरा बीच में से एक पेड़ निकला है, और इसने पेड़ का जैसे ख्याल रखते हैं इसलिए पेड़ को उन्होंने काटा नहीं, उन्हीं के बीच में से चारों तरफ दोनों साइड से बना दिया, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर यहाँ पर राधा कृष्ण का एक मंदिर है, थोड़ी देर आने के बाद मतलब बहुत ऊपर आ गए हैं, तो ऊपर में कंक्रीट रास्ता बनाना कितना मुश्किल है, और जो लोग बनाए हो गए ना, मतलब कितना रिक्स लेके वो बनाए होंगे, इतना ऊपर तक सीमेंट और ईटा और जो भी चीज़ लगी है उसको लाके बनाना काफ़ी मुश्किल का काम है, जो भी बनाया होगा ना भाई सलाम है तुम लोगों को। तो पहाड़ों में चढ़ते चढ़ते मेरे को यहाँ पर एक मतलब ये गोल्डन कलर का स्नेक दिखा, जैसे कि पहाड़ एरिया तो बहुत तरह तरह का सांप रहते होंगे, लेकिन ये कौन से सांप है मेरे को, मतलब इतना खतरनाक दिख रहा है, ये पूरा गोल्डन कलर का, मतलब सांप का बच्चा है, पता नहीं क्या चीज़ है। बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है। देर के बाद मेरे को यहाँ पे दिखा विनोद, इंटरनेट सेंसेशन विनोद, यही हो स्लैप पॉइंट वाला विनोद, बस विनोद, सात लोग इस कमेंट की विनोदता से इंप्रेस हो गए। वर्टिकल टाइप का पहाड़ है तो चढ़ना जितना डिफिकल्ट है उतरना भी उतना डिफिकल्ट है, और यहाँ पर मेरे को दिख रहा है पास में ये 100 के आसपास पहाड़ चढ़ने के बाद पहुँच जाएंगे हम डेस्टिनेशन में। फाइनली हम आके पहुंच चुके हैं खंडाधर वाटरफॉल, इसका वेटिंग था क्योंकि यहां पर इसी रूट में किसी भी टूरिस्ट प्लेस नहीं है, सिर्फ एक ही टूरिस्ट प्लेस है, एक ही टूरिस्ट प्लेस के लिए हमने 80 किलोमीटर बाइक से ट्रैवल किया और हम वापस जाएंगे 140 किलोमीटर बाइक से। दोस्तों खंडाधर वाटरफॉल भारत का 8th लार्जेस्ट वाटरफॉल है, वाटरफॉल को आने के लिए आपने देख सकते हैं कि बहुत सारे पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, और यहां से हम आएंगे यहाँ तक, ये उसका लास्ट पॉइंट है डेस्टिनेशन पॉइंट, और इसी पॉइंट में देखिए कितना ऊपर से गिर रहा है, मतलब इसका नज़र आना कोई नहीं आ पाया क्योंकि हर कोई इतना ऊपर तक नहीं आ पाएगा, कम से कम 1 किलोमीटर ऊपर हम पहाड़ चढ़ के आए हैं, सीढ़ी चढ़ के वर्टिकल सीढ़ी है, सब सारे सब सीढ़ी चढ़ के हम यहाँ पर आके पहुँचे हैं,
और यहाँ जिसका नजारा देखिए कितना ऊपर से कम से यहाँ से 100 मीटर के ऊपर से पानी गिर रहा है ना, ये 1 किलोमीटर नीचे गिर रहा है डायरेक्ट। उस तरफ जाने के लिए मना किया गया है और यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि नहाना मना है, क्योंकि अगर पैर फिसल जाएगा ना पूरा गया टाटा बाय बाय गया हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए ये जो लाइट है ना यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है, ये सोलर पैनल है। तो सोलर पैनल के माध्यम से जैसे सूरज की किरण से वो एनर्जी लेती है और उसी एनर्जी से वो लाइट देता है, रात में जलने के लिए ये सब है। दोस्तों, वाटरफॉल का मजा लेने के लिए कुत्ता भी आया हुआ है, ये पूरा टॉप में भी चला गया था, ये हमारा साथ आया था भी हमारे साथ चल रहा है। चलो नेचर का मजा सबके लेना चाहिए, सारे जीव जंतु मजा लेना चाहिए नेचर का। पाइपलाइन दिख रहा है ना काला काला का, वहाँ पर तो जैसे कि वहाँ पर ऊपर पानी पीने के लिए ना पूरा प्योर पानी ऊपर से आता है, पूरा ऊपर जो वहाँ वाटरफॉल का पानी इसी पाइप के माध्यम से जा रहा है और नीचे फिल्टर के माध्यम से फिल्टर हो जा रहा है पानी, और पानी फिल्टर होने के बाद उस पानी पीने लायक बनता है। कितना गहरा है ऊपर से मैं एक पत्थर फेंक के आपको दिखा रहा हूँ। ये भी देखना क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, ओए क्या हो गया बे, क्या हो गया, कौन है उधर, कौन है? हम तीनों का लॉन्च हो गया, लॉन्च तो नहीं हुआ बस थोड़े देर के लिए स्नैक्स है। इस तरफ लिखा गया है कि पिकनिक स्पॉट है यार, तो ये जो प्लेस है ना पिकनिक स्पॉट के लिए, यहाँ पर एक स्पॉट है, एक स्पॉट पे हम जैसे कि आप सब्जी काट सकते हैं, दूसरा जो भी चाहिए आपको खाना बनाने के लिए एक एक ले लोगे, वहाँ पर सबसे पेड़ के नीचे नीचे एक बनाया गया है और वहाँ पर आप बैठ के जो भी सब्जी वब्जी काटोगे और वहाँ पर साइड में खाना बना सकते हो। ये देखिए ये रखे है, ये चिल्ड्रेंस पार्क है, पार्क को पोलियो हो गया है क्या? अंदर में आपको अगर टॉयलेट लगती है तो यहाँ पर टॉयलेट की भी फैसिलिटी है, वो जस्ट चिल्ड्रन पार्क के बगल में ही है ये टॉयलेट, और इसका लेडीज टॉयलेट भी है, अच्छा खासा फैसिलिटी है और इसको साफ सफाई भी हर दिन किया जाता है, इस तरफ यूरिनल है और इस तरफ टॉयलेट है। ये देखिए ये है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, और यहाँ पर बहुत सारे जो चीज़ यहाँ पर जैसे खाना बनाएंगे और इसके लिए आपको प्योर पानी चाहिए तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये फ्रेश एंड प्योर वाटर और चिल्ड वाटर है, डिलीशियस फूड एट खंडाधार। जिराफ है उधर, एक हाथी है और उस तरफ बाघ बनाई गई है। तो ये जो खंडाधार पूरा बिल्कुल ही साइड में यहाँ पर है, यहाँ पर खंडाधार कैफ है, थोड़ा महंगा है नॉर्मल होटल में जैसे है, यह थोड़ा तो महंगा है। और यहाँ पर जो सबसे खासियत है कि यहाँ पर देख सकते हैं जो बनाया गया है, यह कछुआ यहाँ पर है, यहाँ पर स्कारल है, यहाँ पर आप बैठ के बाहर भी खा सकते हैं और देख सकते हैं, बहुत मजा आया यहाँ पर देख के। और यहाँ पर देखते हैं शेर बनाया गया है, यह शेर है, और बीच में से आप रात में जा सकते हो, और खूबसूरती के लिए यहाँ पर पेड़ पौधे लगाया गया है। मतलब एक चिड़ियाखाना टाइप का बनाया गया है,
इसका मेनू मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा महंगा है, ज़्यादा नहीं है और आसपास में आपको होटल मिलेगा भी नहीं, ये लास्ट ऑप्शन ही है। का थाली में आपको आ गया चिकन, यहाँ पर पापड़, टमाटो खट्टा, उसका डाल दीजिए, एक्स्ट्रा राइस और एक्स्ट्रा दाल भी फ्री में देंगे। पूरा ऊपर तक जाके लौटने में पूरा हालत ख़राब हो गया है और पूरी वीडियो के अंदर मैं कोशिश किया हूँ सारे चीज़ दिखाने के लिए और उसके बारे में बताने के लिए। और वहाँ पर नहाना मना था और वहाँ पर मत नहाए, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर नीचे में पानी जा रहा है धीरे धीरे, यहाँ से नहा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको वीडियो को लाइक करना।